हेलो दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो मेरी ओर से हैप्पी होली। दोस्तों तो आज आप लोगों को साफ़ सफाई और चूना की पोताई की विलेज स्टाइल में आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों तो पूरा इस वीडियो तक बने रही है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ साफ़ सफाई चल रहा है। दोस्तों ये देख रहे हैं कहाँ कहाँ का सामान कहीं कहीं पर पड़ा है। दोस्तों तो हम लोग फ़िलहाल चूना से पोताई करने वाले हैं, वो भी विलेज स्टाइल से। तो ये देख लीजिए आप, शहर एरिया में आप लोगों को दूसरे ढंग से पोताई करते हुए नज़र आते हैं, पर यहाँ विलेज स्टाइल से आप लोगों को पोताई करते हुए नज़र आएंगे चूना को। दोस्तों ये देख लीजिए आप लोग, चूना थोड़ा सा ले लिए हैं दोस्तों, और उसके बाद ही पानी दे दिए हैं, और पानी देने के बाद इसको थोड़ा घोल लिए हैं, और उसके बाद छोटा सा कपड़ा लेकर उसमें पोताई कर रहे हैं। अभी बहुत ही काम बचे हैं दोस्तों, लगभग अभी तो आधा एक घंटा का काम बचा है पोताई करने में। घर के हर तरफ बचा है अभी पोताई करने में, लगभग लग जाएगा हम लोगों को आधा घंटा। ये देखिए इस घर में थोड़ा लास्ट आने वाला है दोस्तों, तो सामान भी कुछ बिखरा पड़ा है। ये देख रहे होंगे दोस्तों, दर्पण कहीं पड़ा है, सामान वान वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ पर पड़ा है। ये पोताई फिलहाल होली आने वाला है दोस्तों, यानी कि होली का त्यौहार आने वाला है, तो इससे पहले हम लोग को पोताई कर रहे हैं। आप लोग भी कर चुके होंगे, अपने अपने घर को पोताई कर चुके होंगे। तो हमारा भी कमरा या हाउस बचा है दोस्तों, तो वो भी कुछ मिनटों में ख़त्म भी होने वाला है। इस वीडियो को देखिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये हो चुका है फिलहाल। अब दूसरे तरफ आप लोगों को दिखाते हैं, तो दूसरे तरफ भी अभी बचा है। पहले से ये दीवार सफ़ेद था दोस्तों, लेकिन कुछ गंदा वंदा था, तो इसी कारण त्यौहार के नाम से थोड़ा पोताई करना पड़ा हम लोगों को। आप लोग भी अपने घर को चमकाइए दोस्तों, और पोताई कीजिए दोस्तों। आप कौन सा पेंट में पोताई करते हैं? हम लोग तो चूना में कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग कोई पेंट में कर रहे होंगे दोस्तों, अब पता नहीं है हम लोग को। हम लोग तो चूना में कर रहे हैं दोस्तों। अब लगभग समय बचा है दोस्तों हम लोगों के पास 10-15 मिनट है दोस्तों, और काम भी अब हम लोगों का ख़त्म होने वाला है दोस्तों। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोस्तों वो बॉर्डर भी हम लोग देंगे दोस्तों, नीचे के बॉर्डर को भी पोताई करेंगे उसमें। सब तरफ बचा है दोस्तों वो बॉर्डर, वो भी हमारा आखिरी लास्ट होने वाला है। फिलहाल सामान भी बिखरा पड़ा है देखो दोस्तों, तो उसको भी हम लोग को सेटिंग करना है। जहाँ जहाँ पर था वहीं पर हम लोग को सेटिंग करना है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद, बहुत ही झकास दिख रहा होगा दोस्तों। पता नहीं दोस्तों, या फिर पेंट है या चूना है, असल में चूना ही है, पेंट तो नहीं है फिलहाल। पेंट तो दीवार में लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। फिलहाल वो दीवार हो चुका है दोस्तों, अब हम दूसरे दीवार को पकड़ेंगे और बॉर्डर को भी थोड़ा कर लेते हैं पोताई। यानी कि सब दीवार हो चुका है हम लोगों का, अब बॉर्डर बॉर्डर बचा है दोस्तों, तो उसी को हम कर लेते हैं।
ये लास्ट हो चुका है अब दोस्तों, और सामान भी बिखरा पड़ा है बहुत सारा, तो वो भी हम लोगों को करना करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए ये दरवाजा की तरफ है दोस्तों, बॉर्डर दे रहे हैं, उधर ही पोताई हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा लास्ट भी आ चुका है हम लोग का पोताई का काम, दीवार भी हो चुका है। अब थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं और पानी वानी थोड़ा लाते हैं हम लोग, देखते हैं बाहर तरफ थोड़ा सा नज़ारा क्या है इधर। ये देखिए इधर बच्चे लोग हैं दोस्तों, होली खेल के आए हैं दोस्तों और नहा भी चुके हैं ये बच्चे लोग। अब इधर ही दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए दोस्तों तो पानी वानी आ चुका है दोस्तों, फिलहाल काम भी हो चुका है अपना। अब थोड़ा बर्तन वर्तन को भी धो लेते हैं, फिलहाल हमारा काम हो चुका है दोस्तों। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए दोस्तों आप लोगों को बाय बाय।